हेलो दोस्तों, एक सजेशन मेरा उन दोस्तों के लिए है कि जो आपने देखा होगा फील्ड चेंज कर देते हैं, लाइक किसी फील्ड में एक साल दो साल काम किया फिर दूसरे फील्ड में चले जाते हैं, दो साल काम किया फिर किसी तीसरे फील्ड में चले जाते हैं। तो उनके लिए मेरा सजेशन है कि कभी भी फील्ड बदल कर आप लाइफ में तरक्की नहीं कर सकते। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिसाइड लाइक कि आपका गोल क्या है, आपका विजन क्या है, लाइफ में आप करना क्या चाहते हैं। देन यू विल हैव टू कीप वर्किंग ऑन दैट। उस पर आप फोकस कीजिए, उस पर आप कंटिन्यू रहिए। किसी भी फील्ड में किसी भी हद तक कामयाबी हासिल की जा सकती है, क्योंकि आप ये देखिए कि किसी भी फील्ड में अगर आप काम कर रहे हैं तो उस फील्ड में आप कितना बेहतर कर सकते हैं, कितना लाइक अचीवमेंट कर सकते हैं। आप जिस कंपनी को आप छोड़ते हैं उस कंपनी में देखिए कि टॉप लेवल पे जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी लाइक मैनेजर्स हैं, वो किस लेवल की कमाई कर रहे हैं, या किस लाइक जो उनका सैलरी पैकेज है या जो उनके अर्निंग सोर्स हैं वो किस लेवल के हैं। तो ये डिपेंड करता है उस पर कि आप क्या सीख रहे हैं, आप किस चीज़ को किस वे में ले रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि बिफोर लीविंग लाइक एनी कंपनी, एनी जॉब और एनी सेक्टर और एनी फील्ड, आप उसके फील्ड को देखिए कि उसमें लाइक कैरियर ग्रोथ क्या है। अगर उसे अच्छे लेवल पर एक्सपीरियंस लेने के बाद किया जाए तो उसमें क्या अर्निंग सोर्स हो सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।